रुकवा इसको रुकवा, चल आगे इस साइड, चल अपनी साइड चल अपनी। ओए उंगली दिखा रहा है, देखना इसकी उंगली मैं निकालता हूँ, रुको। सर पकड़ना, सर इनको पकड़ना। ओए बंदा बन के चल, बंदा बन के चल। क्या ओए सुन, ड्राइविंग लाइसेंस है तेरे पास? लाइसेंस है? कराओ अंदर तेरे को अभी। ओ ओ ओ ये देखना, ये देखना क्या कर रही है ये। ओ हो 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 हो, ये देखो। ओ भाई क्या हो रहा है इसको, ये देखो टोटली बंद हो गई गाइस बाइक, हाईवे पे खज्जल हो गए। ये लगा दी चाबी, स्टार्ट हो गई। सो गाइस अभी फाइनली हमने जॉब कार्ड बना लिया है, चेक करते हैं भाई, देखते हैं भाई क्या फॉल्ट है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप सब अच्छे होंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलियन व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आपने कल का व्लॉग तो देखा होगा और आपको पता ही होगा हमारी बाइक खराब हो गई थी। कल हम गए थे एक अच्छा सा ऑफ रोड करने के लिए, तो भाई जहां हम ऑफ रोड करने गए वहां पे मेरी बाइक थोड़ी सी गिरी और बाइक खराब हो गई, मतलब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो गाइस फिर हमने बाइक को टो किया, मैकेनिक के पास लेके गए थे भाई, बहुत ज्यादा 20 किलोमीटर बाइक को टो किया हमने, फिर मैकेनिक के पास लेके गए और वहां पे मुझे पता चला कि जो बाइक का किल स्विच सेंसर है वो खराब हो चुका है, मतलब किल स्विच खराब हो चुका है बाइक का। तो गाइस चलो अभी अपनी बाइक को कंपनी में लेके चलते हैं, वहां पे पूछते हैं कि भाई किल स्विच अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं हुआ फिर तो भाई सीन हो जाएगा, फिर तो बाइक को वहां पे रखना पड़ेगा, ब्लॉग कैसे बनाएंगे। तो गाइस बाइक अभी नीचे लगी है, तो चलो देखते हैं स्टार्ट भी होती है कि नहीं, कोई पता नहीं, मुझे नहीं लगता स्टार्ट भी होगी। तो चलो सीधा निकलते हैं यहाँ से, तो मिलता हूँ आपको बाइक के पास। सो गाइज यहाँ पे लगी अपनी बाइक और ये रही बाइक की, तो देखते हैं भाई अपनी बाइक स्टार्ट होती है, मुझे लगता नहीं है स्टार्ट होगी पर ट्राई कर लेते हैं यार। अभी इसको सीधा वर्कशॉप लेके चलते हैं, बस इसका सामान मिल जाए, देखते हैं यार क्या सीन है। अगर सामान नहीं मिला तो फिर तो भाई मैं खज्जल हो जाऊंगा, इसको कंपनी में छोड़ना पड़ेगा, तो व्लॉग किस पे बनाऊंगा। तो चलो गाइज अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखो स्टार्ट ही नहीं हो रही, ये देख रहे हो ये बंद है ना, ये मैंने ऑन की, ये देख रहे हो फ्यूल पंप की आवाज़ आ रही है, सुनो आ रही है ना, ये देखो न्यूट्रल पे है, ये देखो स्टार्ट नहीं हो रही है यार, पता नहीं क्या सीन हो गया इसको। तो गाइस एक दो बारी करते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता स्टार्ट हो जाए, कुछ करके स्टार्ट करते हैं। अगर एक्सेलरेटर नहीं पकड़ेगी फिर तो टो ही करनी पड़ेगी भाई, फिर कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम। ये देख रहे हो मैं आपके सामने सारा दबा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो एक तरीका मेरे पास इसको स्टार्ट करने का, तो वो इस्तेमाल करते हैं हम। तो उसके लिए हमें इसका ये खोलना पड़ेगा आगे से, ये खोला बैटरी कवर, बैटरी कवर इधर रखो, और ये है भाई पेचकस। तो गाइस कमेंट करके बताना जिसको ये तरीका पता होगा, आपको अगर पता है मैं अपनी बाइक कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो कमेंट करके बताना। ये लगा दी हमने यहाँ पे चाबी, ये ऑन हो गया, अब चेक करूँ गाइस देखो मैं क्या करता हूँ। देख रहे हो स्टार्ट भी नहीं हो रही है, स्टार्ट तो हो भी जाए अगर, देख रहे हो स्टार्ट होगी ना फिर बंद हो जा रही है। ये देखो ना गाइस स्टार्ट भी नहीं हो रही है यार बाइक, फिर से कोशिश करते हैं। देखा स्टार्ट कर दी मैंने, और ये देखो एक्सेलरेटर कैसे पकड़ रही है, देख रहे हो। तो चलो गाइस अभी इसको इसी कंडीशन में लेके चलते हैं कंपनी, बस बंद ना हो जाए, इसको मैं साथ ही रख लेता हूँ, बंद होगी तो वापस स्टार्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे आएगा, अरे यार इधर नहीं आएगा, इधर रख लेते हैं साथ में, यहाँ पे रख दिया मैंने। तो जल्दी से बाइक को बंद करते हैं और सीधा वर्कशॉप लेके चलते हैं यार। मैं आपको बताता हूँ इसका ख़राब क्या हुआ है, मुझे पता है अच्छी तरह इसका क्या ख़राब हुआ है। ये होता है ना किल स्विच, किल स्विच के अंदर एक सेंसर होता है, ठीक है, वो ख़राब हो गया हुआ है। इसमें एक्सेलरेटर वायर नहीं होती है, कल मैं आपको बोल रहा था एक्सेलरेटर वायर ख़राब हो गई है, जो के टी एम आर सी 390 है ना उसमें एक्सेलरेटर वायर होती ही नहीं है। तो इसमें जो एक इसमें होता है एक सेंसर, वो ख़राब हो चुका है और वो कंपनी में अवेलेबल होना चाहिए, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हम खज्जल हो जाएंगे, सीधी जो बात है। और कल अपनी बाइक गिरी भी थी, ये देख लो साइड से क्या क्या नुकसान हुआ आपको पता ही है, यहाँ से ये टूट गया, यहाँ पर लीवर प्रोटेक्टर लगा था वो टूट गया था, ये है, ये देखो ये भी टूट गया है। तो चलो यार निकलते हैं यहाँ से, कंपनी लेके चलते हैं इसको। भाई आज एक्सेलरेटर तो पकड़ रही है, कल तो एक्सेलरेटर भी नहीं पकड़ रही थी ये,
कल तो पता ही नहीं क्या दौरा पड़ गया था इसको, कोई समझ नहीं आ रही थी। तो मैं इसको आराम आराम से ही लेके चलूंगा, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊंगा, बिकॉज अगर तेज़ चलाऊंगा तो ये बंद हो जाएगी। भाई पता नहीं क्या सीन हो गया यार, परेशान कर दिया बाइक ने कल से। सो गाइस अभी मैं मेन रोड पे पहुंच चुका हूं, तो यहां से कंपनी है कोई 4-5 किलोमीटर दूर, तो चलते हैं सीधा कंपनी में। सॉरी कंपनी में नहीं, हमें वर्कशॉप पे जाना। और नीचे देख रहे हो भाई, नीचे फुट रेस्ट भी नहीं है। मैंने पैर कैसे अटकाया हुआ है मुझे पता है, खज्जल हो रहा हूँ मैं बहुत यार, बहुत गंदा वाला खज्जल हो रहा हूँ कल से। तो चलो गाइस चलते हैं सीधा, बस आप प्रे करो कि हमें यार किल स्विच का सेंसर मिल जाए, नहीं तो भाई सीन हो जाएगा यार, गंदा वाला सीन हो जाएगा। A few moments later. और ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो वही कल वाला सीन करने लग गई यार वापस। ये देखो, देखो क्या हो रहा है भाई को, देख रहे हो, देख रहे हो यार, इसको पता नहीं क्या हो रहा है यार। ये देखो हो गई बंद, ये लो भाई अलग ही सीन हो रहे हैं यार इस बाइक को। ये देखो जो कल हो रहा था वही हो रहा है, सेंसर नहीं ना चल रहा है यार इसका, सेंसर बंद हो रहा है चल रहा है, बंद हो रहा है चल रहा है, ख़राब हो गया सेंसर यार। चल कंपनी तक तो पहुंच भाई, बीच रास्ते में खज्जल कर गई। ये देखना, ये देखना क्या कर रही है ये, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये देखो, ओ भाई ये क्या हो रहा है इसको, ओ भाई ये क्या हो रहा है यार, अबे यार ये फट फुट ना जाए यार भाई, डर ही लग रहा है मेरे को। फोर्थ गियर में देखो क्या कर रही है भाई, देख रहे हो क्या कर रही है भाई 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 भाई, क्या रुक गई, बंद हो गई, ऑन हो रही है बंद हो रही है, ऑन हो रही है बंद हो रही है, भाई क्या करूँ यार कुछ समझ नहीं आ रही है। तो गाइस अभी हमारी बाइक बंद हो चुकी है, तो अभी देखते हैं न्यूट्रल कितना जाएगी, नहीं तो फिर ये पेचकस तो मैंने रखा ही है, पेचकस से स्टार्ट करके देखेंगे, अगर उससे भी स्टार्ट करके नहीं हुई फिर तो भाई खज्जल ही है, फिर तो टो करनी पड़ेगी। ये देखो टोटली बंद हो गई गाइस बाइक, हाईवे पे खज्जल हो गए। ये रहा पेचकस, वापस करते हैं भाई, क्या करें और कोई ऑप्शन नहीं है। ये लगा दी चाबी, स्टार्ट होगी, क्या जुगाड़ लगा के स्टार्ट कर रहा हूँ भाई मैं, इसको रखो वापस यहाँ पे। तो जल्दी से भाई अब वर्कशॉप पहुँचाते हैं बाइक को, पास में ही है वर्कशॉप। अब ये देख रहे हो अब वापस ठीक चलने लगी है, देखो ये वो फिर मिसिंग कर रही है यार, ये देखो 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 क्या कर रही है, देखो भाई 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 भाई, इसको न्यूट्रल में ले जाता हूँ यार, ये फट फुट जाएगी कसम से, मेरे को तो डर लग रहा है यार। 2000 years later. So guys, finally, इतनी मेहनत करने के बाद हम वर्कशॉप पहुँच चुके हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं वर्कशॉप के अंदर, तो भाई किल स्विच अवेलेबल नहीं है और हम खज्जल हो चुके हैं, अभी चेक करेंगे बाइक को, देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस अभी फाइनली हमने जॉब कार्ड बना लिया है, देख सकते हो आप, तो अभी चेक करते हैं बाइक, देखते हैं भाई क्या फॉल्ट है। तो गाइज अभी वर्कशॉप में लेके जा रहे हैं बाइक को, तो वहाँ पे देखेंगे भाई सीन क्या है। सो गाइज अभी लोकेश भैया ने कोई टूल लगाया है, देख रहे हो आप गाइज, अभी देखो इन्होंने कुछ किया है इसमें से, कुछ डिलीट किया, तो देखना भाई अब बाइक कैसे स्टार्ट हो रही है। देखो मतलब ये पूरी हिस्ट्री बता देता है बाइक की, इधर आपको सब कुछ दिख जाएगा, मतलब बाइक कितनी चली हुई है, मतलब जो मीटर टेम्परिंग वगैरह होती है ना वो इससे पता चल जाती है। तो गाइस देख लो यहाँ पे आ रहा होगा 13,000 कितनी चली है, 85 किलोमीटर चली है बाइक, तो मीटर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई मीटर पे भी इतना ही है, तो इसमें मीटर टेम्परिंग का जो है वो ख़त्म हो जाता है टोटली। अगर आपको किसी भी बाइक का असली में पता लगाना हो ना कि वो कितनी चली है, तो उसके सर्विस सेंटर जाओ और ये वाला टूल आता है उधर, वो लगा के उससे पता चल जाएगा। तो अभी देखते हैं यार बाइक का क्या सीन है, फिर बताता हूँ आपको। तो गाइस जिस बात का डर था वही हुआ भाई, बाइक का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, बाइक को पूरा खोल के देखना पड़ेगा, पूरा खोल के चेक करना पड़ेगा, तो बाइक यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी यार। इस टूल से हमने कोशिश की ठीक करने की पर नहीं हुआ यार, कुछ वहाँ पे इशू आ रहा है, तो बाइक को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अब वायरिंग में कोई दिक्कत आ रही है, चक्कर क्या हुआ कोई पता नहीं है, जब तक बाइक को पूरा खोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, तो यार बाइक को इधर ही छोड़ना पड़ेगा। व्लॉगिंग वगैरह कैसे होगी कोई पता नहीं है, तो चलो यार निकलते हैं अब यहाँ से। तो गाइस फाइनली अभी हम रुके स्टंट पॉइंट पे, तो यहाँ पे छोटे मोटे स्टंट चल रहे हैं, अभी हम अपनी बाइक को छोड़ा है भाई कंपनी में। ओ ओ ओ ओ, ओ क्या बात है भाई, भाई कैसे विली मार रहा है। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर, बाइक को छोड़ दिया, अभी हम रुके थे स्टंट पॉइंट पे, तो निकलते हैं यार यहाँ से, देखते हैं बाइक कब तक मिलती है हमें। ओ आराम से चल चल भाई, गाड़ी देख के, ओ ओ ओ ये क्या था, ये
रुकवा इसको रुकवा, चल आगे। कैसे चला रहा है ये? और देख लो उंगली दिखा रहा है। चल चल आगे, अपनी साइड चल, अपनी साइड चल अपनी। ओए ओए क्या कर रहा है ये? इसको रुकवा, पास ले इसे, पास ले। तू कैसे चला रहा, पास लेना। चला चला आगे, उंगली दिखा रहा है, देखना इसकी उंगली मैं निकालता हूँ। रुको भाई, पुलिस वालों को भी बोला मैंने, इनको पकड़ो। ओए बंदा बन के चल, बंदा बन के चल, मत कर ऐसे। क्या? ओए सुन, ड्राइविंग लाइसेंस है तेरे पास? लाइसेंस है? कराओ अंदर तेरे को अभी। चल निकल जा चुपचाप सीधा, चल।